कहानियाँ, रोमांच और रहस्य, कुछ तो गड़बड़ थी। एक सुबह एक आदमी शहर की एक सुनसान सड़क पर अकेला चला जा रहा था। अजीब बात थी कि वो आदमी ये तक नहीं जानता था कि वो वहाँ कैसे आ गया था और वो वहाँ क्या कर रहा था, या फिर उससे पहले वो कहाँ था। उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि समय क्या हुआ था। तभी उसने एक औरत को अपनी तरफ आते देखा। उसने उस औरत को रुका और मुस्कुरा कर कहा, माफ़ कीजिएगा, आज मैं अपनी घड़ी भूल गया हूँ, क्या आप मुझे समय बता सकती हैं। जब उस औरत ने उस आदमी का चेहरा देखा, वो जोर से चीख पड़ी और वहाँ से भाग गई। वो आदमी तो बहुत ही अचंभित हुआ। कुछ देर के बाद उसने देखा कि उसके आसपास से गुजरने वाले और भी बहुत से लोग उससे डरे डरे से लग रहे थे। लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। लोग उसके रास्ते से भाग रहे थे और दीवारों से लगकर खड़े हो रहे थे। कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि जरूर उसमें ऐसी कोई बात थी जिसके कारण लोग उसको देखकर डर के भाग रहे थे। उसने सोचा कि उसको जल्दी से घर वापस चले जाना चाहिए। उसने हाथ उठाकर एक टैक्सी को रोका, पर टैक्सी वाले ने उसके चेहरे को देखते ही टैक्सी की गति बढ़ा दी और भाग गया। वो आदमी तो जैसे पागल सा ही हो गया था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ वो सब क्या हो रहा था। वो आदमी इतना तो जान चुका था कि लोग उससे डर रहे थे और दूर दूर भाग रहे थे। उसने सोचा, शायद मेरी पत्नी यहाँ आकर मुझे घर ले जा सकती है। उसने पास ही एक टेलीफोन बूथ देखा और अपने घर का फ़ोन नंबर मिलाया। वो अपनी पत्नी की मीठी आवाज़ सुनने की आशा कर रहा था, परंतु किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी। उस आदमी ने कहा, क्या मैं श्रीमती स्मिथ से बात कर सकता हूँ? उस आवाज़ ने कहा, माफ़ कीजिएगा, श्रीमती स्मिथ तो अभी यहाँ नहीं है, कल ही उनके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और आज वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान गई हुई हैं। उस आदमी के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे लटक कर झूलने लगा। वो टेलीफोन बूथ से बाहर आ गया, पर नहीं जानता था कि क्या करना था। बहुत बहुत शुक्रिया।